बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ड बीजे और मैं आपका टीचर बदरुद्दीन। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वायरलेस कनेक्शन और वाईफाई क्या है, इसके हम बारे में हम रीड करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं वायरलेस कनेक्शन, सबसे पहले हम रीड करेंगे फिर हम आपको उर्दू में बताएंगे। वायरलेस कनेक्शन इनेबल वायरलेस कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट वाय रेडियो व्यूज रादर देन वायर्स ऑन द पर्सन होम कंप्यूटर लैपटॉप स्मार्टफोन सिमिलर मोबाइल डिवाइस। तो वायरलेस कनेक्शन ऐसा कनेक्शन जो वायरलेस के थ्रू किसी भी नेटवर्क, किसी भी डिवाइस, किसी भी मोबाइल, किसी भी आप कह सकते हैं नोड को कनेक्ट करके जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, ये वाईफाई में, वाईफाई का मतलब है वायरलेस फीडली, वायरलेस फीडलिटी। तो ये स्मॉल डिस्टेंस पे होता है, ये डेटा शेयर करता है किसी यूज़र के साथ थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंटरनेट। तो इंटरनेट इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कि वायरलेस का ये एग्जांपल है। आगे हम पढ़ते हैं वायरलेस फीडली, यानी वाईफाई का मतलब क्या है, वायरलेस फीडलिटी अलाउज हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन विदाउट यूज ऑफ केबल। आप किसी भी पर्सन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं विदाउट फिज़िकल वायर या केबल आप कह सकते हैं। उसमें हम पासवर्ड लगा के वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो, डेटा अपनी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वायर रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ टेलीफोन और केबल नेटवर्क। तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी है जो किसी भी केबल नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन इज ऑलवेज ऑन कनेक्शन। इसका वायरलेस जो वाईफाई का फ़ायदा ये है कि हम किस जब भी इंटरनेट को ऑन करते हैं स्मॉल डिस्टेंस पे, तो ये कनेक्शन ऑन हो जाता है, हम दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी लोकेशन दैट फेल्स विथिन नेटवर्क कवरेज। किसी भी आप लोकेशन पे हो या स्मॉल डिस्टेंस पे हो, आप जब भी डेटा को वाईफाई को ऑन करेंगे तो आपकी और जो वाईफाई कनेक्शन है, रूटर है, उस पर आप कनेक्ट हो जाओगे और दुनिया से बात कम्युनिकेट कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। वायरलेस कनेक्शन आर मेड पॉसिबल थ्रू द यूज़ ऑफ मोडियम। याद रखें कि वायरलेस कनेक्शन मोडियम के थ्रू ही इस्तेमाल किया जाता है और कनेक्ट किया जाता है। विच पिक्स अप द इंटरनेट सिग्नल, जो इंटरनेट के सिग्नल को पिक करे, सेंड देम टू द अदर डिवाइस, मुख्तलिफ डिवाइस को उसके सिग्नल सेंड करे थ्रू अ मोडियम। जैसा कि हम मोडियम प्रीवियस चैप्टर में रीड किए हैं कि ये आउटपुट डिवाइस होता है, यानी सेंडर टू रिसीवर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि मोडियम क्या है, ये कैसा काम करता है। तो आज हमारा टॉपिक था द वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क विदाउट फिज़िकल वायर के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है, यानी मोडियम के थ्रू किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करके हम अपनी डेटा शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये है कि स्टे कनेक्ट होता है, जब भी हम डेटा को इस वाईफाई को ऑन करते हैं तो हमारी डेटा ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्ट होती है और डेटा ऑटोमेटिक स्टार्ट होना शुरू होती है। तो जो भी सवाल है आपका मुझे बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा।
मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तभी मैंने कोशिश करता हूँ बिकॉज आई स्पीक का इंग्लिश, मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता हूँ, तो ये मेरी मुझे माफ़ करना कोई भी मिस्टेक हो उर्दू में, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ ना, न्यू यूट्यूबर हूँ, तो आस्ते आस्ते आपको समझाऊँगा भी, सिखाऊँगा भी उर्दू कैसे मैं अपनी इम्प्रूव करूँ, ठीक है। तो ये मुझे आई एम सो सॉरी फॉर डैट, ओके। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ अदर्स फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में ये आपको ये कहूँगा कि मैंने बिज़ी हूँ, मैं किसी प्रॉब्लम के लिए बिज़ी हूँ, तो इसलिए मैंने मंडे टू संडे मैं दो वीडियो बनाऊँगा, प्लीज़ मेरी वीडियो देखो, आपको मोटिवेशन मिलेगी ना भाई, मेरी वीडियो देखोगे, मेरे पास नॉलेज है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो थैंक्स सो मच, सब्सक्राइब माई चैनल, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।